बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांडलगढ़ प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य बाजार, चौराहों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बिना मास्क मिले लोगों के चालान काटकर उन्हें कोरोना वायरस के प्रति सजगता बरतने की सलाह दी। उपखंड अधिकारी IAS उत्साह चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश और उपखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र भर में अभियान चलाकर क्षेत्र के लोगों को बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जागृत किया गया। कोरोना वायरस के प्रति प्रशासन द्वारा चलाए गए जन जागृति अभियान के तहत शहर के मुख्य बाजार में आमजन में हड़कंप मच गया व बिना मास्क वाले लोग इधर उधर मुंह छिपाते भागते नजर आए। कि कोरोना के विरुद्ध जो हमने लड़ाई लड़ी थी, प्रशासन ने, पुलिस ने और आम जनता ने, इसके थ्रू हम काफ़ी हद तक केसेस को कंट्रोल कर पाए थे। लेकिन आगे चलते हुए हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि इस लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। और पहली बात तो देखिए, अब वैक्सीन कोरोना की आ गई है, तो पहला ये बिल्कुल सभी को मैं ये अनुरोध ये करना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ज़रूर वैक्सीन आप लगाइए। और दूसरी चीज़, आम जनता के हाथों में यही है कि कोई भी इसमें ढिलाई ना बरती, मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, हाथ धोने का प्रयोग ज़रूर कीजिए और हमें इसमें किसी भी तरह से कोई भी ढिलाई या कुछ भी नहीं करना है और वैसे ही उतनी सावधानी बरतते हुए आगे चलना है। अभियान के दौरान तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी, थाना इंचार्ज ओंकार लाल मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।